हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 और आपकी सोशल साइंस का भी चैप्टर 1 है, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 CE। इसमें हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया का जो बिगनिंग था या जो स्टार्टिंग थी वो कितनी ग्लोरियस थी। ग्लोरियस मतलब काफ़ी फेमस थी या ग्लोरी वाली थी। सिंस द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रेस्टिजियस एंड ग्लोरियस। जो इंडिया का इतिहास है या जो संस्कृति है वो काफ़ी प्रेस्टिजियस रही है। प्रेस्टिजियस मतलब काफ़ी गर्वीले, हम जिसको बोल सकते हैं, जिस पर हमें गर्व हो, और ग्लोरियस काफ़ी फेमस थी। इंडिया वॉज रिनोन्ड एज द वर्ल्ड लीडर एंड द गोल्डन बर्ड। इंडिया को वर्ल्ड लीडर यानी कि विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जो हमारी इंडिया थी ये काफ़ी रिच रिच हुआ करती थी। उस टाइम गोल्ड बहुत ज़्यादा हुआ करता था इंडिया के अंदर, इसलिए इसे गोल्डन बर्ड के रूप में जाना जाता था। और वर्ल्ड लीडर क्योंकि इसने जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उसको ज्ञान दिया था, तो विश्व गुरु के रूप में इसको जाना जाता था। यानी बहुत सारी जो जानकारी थी, बहुत सारी जो नॉलेज थी, वो इंडिया ने अदर कंट्रीज़ को दी थी, या अदर कंट्रीज़ ने इंडिया से बहुत सारी बातें थी जो सीखी थी। रिगार्डिंग द एंटायर वर्ल्ड टू बी आर फैमिली, और जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार है। वासुदेवा कुटुम्बकम, ये हमारे संस्कृति में है कि वेदों में लिखा गया है कि वासुदेवा कुटुम्बकम, यानी कि पूरा जो परिवार, पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है, वो हमारा घर है, और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं। एंड प्रेइंग फॉर द बेनिफिट, और हम लोग प्रार्थना करते हैं जो जितने भी लोग हैं धरती पर जो रहते हैं उनके सुख की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो ये भी हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है, सर्व भवन्तु सुखिना सर्व संतु निरामेह, यानी कि सभी लोग जो हैं वो सुखी रहें, सभी लोग जो हैं वो निरोग रहें। निरामय मतलब होता है निरोगी रहें, यानी हेल्दी रहें। इज इम्बाइब्ड इन आर आइडल्स, ये हमारे आदर्शों के अंदर घुला हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे आदर्शों में रचा बसा हुआ है। अ ग्लोबल फॉर्म ऑफ इंडियन कल्चर इज डिपिक्टेड फ्रॉम एक्सकेवेशन एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। और जो अगर हम देखें ग्लोबल फॉर्म हमारे इंडियन कल्चर का, तो वो हम देख सकते हैं या हमने देखा उसको जब एक्सकेवेशन हुआ था। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई, या आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स मिले थे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इसमें हड़प्पन एंड मोहन जोदाड़ो सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई थी, उसके दौरान जो बहुत सारे रिमेन्स मिले थे, उससे शो होता है कि हमारा जो भारतीय इतिहास है, जो भारतीय कल्चर है, वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज दीपांतर्स, और जो इंडियन रीजन है, ओवरसीज मतलब जो इंडिया को तीनों तरफ से घेर रखा है समुद्र ने, उसको हम दीपांतर के नाम से जाना जाता था। द्वीप, द्वीप मतलब हो गया पानी के तीनों तरफ, और दीपांतर द्वीप, अगर ये खाली द्वीप होता या आइलैंड होता तो चारों तरफ पानी होता। दीपांतर मतलब जिसको तीन साइड से पानी ने घेरा हुआ है, तो उसे दीपांतर कहा जाता था, और एक साइड जो है इसका कॉन्टिनेंट से टच हुआ करता था। इंडियन ट्रैवल इन पावरफुल शिप, और जो इंडियंस थे वो पहले भी पावरफुल शिप्स के अंदर ट्रैवल किया करते थे, एंड रीच ब्रह्म देश, और पावरफुल शिप पर ट्रैवल किया करते थे, और वो ब्रह्म देश सेम इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान, कोरिया तक जाया करते थे या पहुंच जाते थे। एंड दे एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल, और वहां जाकर उन्होंने अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक एम्पायर यानी साम्राज्य बढ़ाया या वहां पे एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। द पोर्ट एंड नेवल पावर ऑफ द एंशियंट इंडिया वर इन वेरी डेवलप कंडीशन, यानी कि जो पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह बोलते हैं पोर्ट को जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं, या जो नेवल पावर थी यानी कि नेवी की जो पावर, एंशियंट इंडिया के समय से ही काफ़ी डेवलप कंडीशन में हुआ करती थी। यानी प्राचीन काल से ही जो हमारी नेवी की पावर थी या
जिसे हम नेवी फोर्स बोल सकते हैं, वो काफ़ी डेवलप हुआ करती थी। द स्कॉलर्स हैव मैंशन अबाउट शिप्स, और जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में बताया है, विच यूज टू सेल इन रिवर इंडस, जिसको कि इंडस रिवर के अंदर सेल किया करते थे। सेल मतलब चलाना, शिप को चलाना, उसको सेल कहते हैं। इंडस अराउंड 6,000 एगो, 6,000 साल पहले भी इंडस नदी के अंदर शिप्स के चलाने की बात जो थी वो स्कॉलर्स ने लिखी है, बताई है। इंडियन ट्रेवल्ड टू सेवरल कंट्रीज, जो इंडियंस थे वो कई कंट्रीज के अंदर उन्होंने यात्रा की थी ऑफ द वर्ल्ड, वाटरवेज के थ्रू एज वेल एज रोडवेज, रोडवेज के थ्रू, एंड इंट्रोड्यूस द पीपल रिसाइडिंग इन दोज डिस्ट्रिक्ट, जो भी दूर दराज कंट्री हैं वहाँ पर जाके अपने रिलीजन और कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। रिलीजन मीन्स धर्म होता है, कल्चर मीन्स संस्कृति, तो अपने धर्म और संस्कृति को दूर कंट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया लोगों को। दीज ब्रेव वॉरियर्स प्रोपोगेटेड इंडियन फिलासफी, और ये जो बहादुर योद्धा थे, ब्रेव मीन्स बहादुर, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, जो ये बहादुर योद्धा थे उन्होंने भारतीय फिलासफी, फिलासफी हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिलिट्री स्किल, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, वैदिक ट्रिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो फिलासफी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र होता है, आर्किटेक्चर जो भी बिल्डिंग्स को बनाना, मॉन्यूमेंट्स वगैरह इसमें जाते हैं, या मिलिट्री स्किल एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाया था या प्रचार प्रसार किया था इसका। प्रोपोगेटेड मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही वी कैन नोटिस द एक्सट्रीमली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और स्टार्टिंग से ही हमने नोटिस किया कि जब एंशियंट सिविलाइजेशन के दौरान, यानी कि जब प्राचीन सभ्यता थी इंडिया में, वो डेवलप हो गई थी, मतलब डेवलप फॉर्म के अंदर थी। आज जैसे हम बोलते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्री, लेकिन उस वक्त इंडिया डेवलप हो चुकी थी। तो ये तो बताया कि स्टार्टिंग में हमारी इंडिया कैसी हुआ करती थी, काफ़ी डेवलप थी, और अदर कंट्रीज़ ने, इवन अमेरिका वगैरह ने भी यहाँ से सीखा था। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं कि जो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो हमारी इंडिया के अंदर ही थी, और वो थी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत। और ये इनके जो ये सभ्यताएं थी या जो संस्कृति थी वो प्रेजेंट थी उस समय भी, रामायण और महाभारत के समय। ऑल हैव बीन द पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, और सभी जो थे ये गोल्डन पीरियड हुआ करता था इंडिया का, ये सभी रामायण महाभारत जो भी थे ये पार्ट थे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया के। द वेदास आर रिगार्डेड एज द स्टोर हाउस, और जो वेदास हैं, जो वेद हैं, उनको स्टोर हाउस माना जाता है वर्ल्ड नॉलेज का। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है ये एक बहुत कॉन्टेक्स्ट है आर्किटेक्चर से रिलेटेड। रामायण एंड महाभारत हैव बीन रेनोन्ड एज ट्रीटीज, और रामायण और महाभारत को ट्रीटीज के लिए जाना जाता है, जिसमें कि वेरियस आइडियोलॉजीज देखने को मिलती हैं या पॉलिसीज हैं जो इंडिया की, वो देखने के लिए मिलती हैं। डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, और लोकतंत्रात्मक या जो संवैधानिक फॉर्म था हमारा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हैज़ बीन द आइडल ऑफ आर महाजनपद पीरियड, और ये आइडल माने महाजनपद पीरियड के। वी नोटिस द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जनपद, और हमने नोटिस किया कि बहुत सारे जनपद हुआ करते थे पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान। तो पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान भी जनपद हुआ करते थे। जनपद मतलब होता है छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनको जनपद कहा जाता है, और जब जनपद छोटे छोटे राज्य जब मिलकर बड़ा राज्य बन जाता है तो उसको महाजनपद कहा जाता है। बाय दिस टाइम आयरन वॉज वाइडली यूज, और इस समय आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था या यूज़ में आ रहा था आयरन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार के अंदर। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन चेंज द लाइफ स्टाइल, और ये जो टेक्निक थी जिसमें कि आयरन को यूज़ किया जाता था उससे लोगों की जो ज़िंदगी थी वो बदल गई थी सिग्निफिकेंट मैनर, एंड ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से जो टेंडेंसी थी
अर्निंग अ परमानेंट लिवलीहुड। जो टेंडेंसी थी कि परमानेंट लिवलीहुड कमाने की, परमानेंट लिवलीहुड मतलब कि हमेशा के लिए जो रोज़गार मिल जाना अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, इन सेटल वे स्ट्रेंथन, सेटल वे को मजबूती मिली, यानी कि एक स्थिर तरीका मिला जिससे कि परमानेंट आदमी अपना अर्निंग कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब का विकास हुआ जिसकी वजह से जो एंशियंट ट्राइबल सिस्टम था वो ख़त्म होने लगा। एंड टिनी जनाज और जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जन बोलते हैं हम इसको, ये बड़े बड़े जनपद में बदल गया। जना गांव होता है, गांव से फिर धीरे धीरे जनपद सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, सिटी से धीरे धीरे वो स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बोला जन जन मतलब छोटे छोटे उनके ग्रुप्स हुआ करते थे, गांव वगैरह हम मान सकते हैं उसको। फिर ये रिप्लेस इसकी जगह जन की जगह बने जनपद। और 6th सेंचुरी BCE के अंदर जनपद से वो महाजनपद के अंदर रिप्लेस हो गए, यानी कि जनपद किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपद के। इन द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी BCE के स्टार्टिंग के अंदर सोवरेन रूल्स वॉज कम्प्लीटली एबसेंट। सोवरेन रूल मतलब कि जिस पर किसी और का शासन ना हो उसको हम सोवरेन रूल बोलते हैं, वो नहीं हुआ करता था, कम्प्लीटली एबसेंट हुआ करता था नॉर्थ इंडिया के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी भी टाइप का सोवरेन रूल नहीं होता था। एंड द होल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट, और जो पूरी इंडिया थी वो कई छोटे छोटे आज़ाद स्टेट्स के रूप में बटी हुई थी। तो ये 6th सेंचुरी की बात हो रही है, 6th सेंचुरी BCE के अंदर पहले कोई भी किसी के ऊपर शासन नहीं किया करता था, सबके अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे, बहुत सारे स्टेट हुआ करते थे 6th सेंचुरी के अंदर। दीज स्टेट्स वर लार्जर एंड मोर पावरफुल, और ये जो स्टेट्स थे वो काफ़ी बड़े होते थे और काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। इनमें से जो स्टेट्स बड़े, हम ये कह सकते हैं जो स्टेट्स बड़े थे और जो ज़्यादा पावरफुल थे दूसरे स्टेट्स कंपेयर टू द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, तो जो पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर जो स्टेट्स थे उनके कंपैरिजन के अंदर 6th सेंचुरी BCE के अंदर जो स्टेट्स थे वो काफ़ी बड़े और पावरफुल हुआ करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे महाजन पीरियड के बारे में। तो महाजनपद अभी मैंने आपको बताया था, पहले जना आता है, देन उसके बाद जनपद आता है, उसके बाद महाजनपद आता है। जना मीन्स गांव हो गया है ना, गांव मान लीजिए इसको, और उसके बाद जनपद को छोटा सा स्टेट मान लीजिए, हम इसको डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर बन गया स्टेट। तो जो महाजनपद है वो किसके जैसा हो गया, वो स्टेट की जैसा हो गया। जैसे कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं और गाँव भी होते हैं, तो छोटा सा गाँव हो गया जनाज, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हो गए जनपद, और महाजनपद हो गए स्टेट्स। तो आप स्टेट के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो महाजनपद पीरियड यानी उस समय जो महाजनपद पीरियड है उसको माना जाता है कि ये 600 BCE से लेकर 325 BCE था। सेवरल लार्जेस्ट एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट वर एस्टेब्लिश, और बहुत सारे बड़े और पावरफुल स्टेट्स को जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो एस्टेब्लिश हुए थे 6th सेंचुरी BCE के अंदर। 6th सेंचुरी मतलब होता है 100, तो यानी 6th सेंचुरी मतलब हो गया 600, तो 600 BCE से लेके 325 BCE तक। तो बता रहे 6th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट पावरफुल स्टेट्स हुआ करते थे और उन्हीं स्टेट्स को महाजनपद कहा जाता था। दीज स्टेट्स वर नेम्ड एज महाजनपद अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जिसका नाम था अगुतर निकाय, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। तो अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुतर निकाय के नाम अगर जाने, इनके अकॉर्डिंग अगर हम जाने, तो जो उस समय जो महाजनपद होते थे वो 16 हुआ करते थे। कौन कौन से महाजनपद थे ये आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ महाजनपद, तो आपको ये 16 नेम्स याद होने चाहिए। और ये 16 नेम्स
और इनके कैपिटल तो चाहे भले आप याद नहीं करो, लेकिन अगर आप इसको याद करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन ये महाजनपद के नाम आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहले महाजनपद याद करेंगे तो इसमें काशी, काशी, कुरु, अंगा, काशी, कुरु, अंगा, मगधा, बज्जी, माला, चेड़ी, वस्ता, कोसाला, पंचाला, मत्स्या, सुरसेना, अस्माका, अस्माका या हम इसको अशाका भी कह सकते हैं, अवंती, गांधारा एंड कंबोज। ये 16 महाजनपद थे और ये इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं कि कौन सी किसकी कौन सी कैपिटल थी। तो काशी, काशी की कैपिटल वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं, पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, अब इसको दिल्ली बोला जाता है। और हस्तिनापुर भी थी, इसको हस्तिनापुर भी कहते हैं। कुरु एंड अंगा जो है वो चंपा, अंगा अंग जो है वो उसका चंपा होगी इसकी कैपिटल। तो आपने इनके नाम महाभारत के अंदर सुने भी हैं कि काशी राज या कुरु राज, ये काशी के राजा, कुरु के राजा, अंगा अंग राज, कर्ण, तो ये सब उन्हीं से रिलेटेड हैं। मगध, वज्जी, माला, चेडी, वत्सा, कोशाला या कुशाल भी, इसको कोशाल भी बोलते हैं, पंचाला, पांचाल, नरेश आपने सुना भी होगा, ये पांचाली के जहाँ से पांचाली आई थी तो पांचाल वो जगह थी। तो मत्स्या, मत्स्य पहले जयपुर, जयपुर जो था बहुत काफ़ी बड़ा था तो उसमें उसको मत्स्या कहा जाता था, विराट नगर भी बोलते थे उसको। एंड सुरसेना मथुरा को, मथुरा इसकी कैपिटल है, मत्स्या की कैपिटल विराट नगर थी, पंचाला की नॉर्थ पंचाला या अहिछत्रा, ये इसमें अलग अलग कैपिटल दे रखी थी। पंचाला की, नॉर्थ पंचाला की अलग कैपिटल थी जिसका नाम था अहिछत्रा, और साउथ पंचाला की थी कंपिलिया। तो ये सारी कैपिटल्स हैं इनकी। और अस्माका की है पोटाना या पाटली, अवंती की है नॉर्थ, अवंती भी दो में बटा हुआ था, एक नॉर्थ एंड साउथ अवंती। नॉर्थ अवंती की उज्जैनी थी और साउथ अवंती की महिष्मती, आपने कई मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा इसको। तो ऐसे आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये महाजनपद के नाम याद करने हैं, गंधारा की, तक्षशिला, कंबोज की, राजपुर या अतक। देन उसके बाद टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर प्रेजेंट इन अबव महाजन 16 महाजनपद। ऊपर जो आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं उसमें भी दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, एक होता था मोनार्चीज एंड दूसरा मोनार्चीज एंड रिपब्लिक, एक होता था मोनार्ची और दूसरा होता था रिपब्लिक। मोनार्ची जहाँ पे राजाओं का राज हुआ करता था, और रिपब्लिक जहाँ पर लोग अपने राजा को चुना करते थे या जहाँ पे जनता का राज हुआ करता था। तो दो टाइप के हो गए, मोनार्चीज एंड रिपब्लिक। कोशाला, अवस्था, अवंती, मगधा, ये बहुत ही पावरफुल मोनार्ची मोनार्चीज हुआ करते थे, यानी यहाँ के जो राजा थे काफी पावरफुल थे, और इसी वजह से जो उनके स्टेट्स थे वो भी काफी पावरफुल थे। तो ये चार नाम जो हैं वो काफी पावरफुल थे, इसमें कोशाला, अवस्था, अवंती एंड मगधा। और सेवरल रिपब्लिक्स और बाकी बहुत सारे जो रिपब्लिक्स थे वो एग्जिस्ट थे बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान 6th सेंचुरी BC के अंदर। इनके जो कुछ मुख्य नाम है वो ये हैं, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, राइट द रिपब्लिक्स नेम, रिपब्लिक बताने हो आपको नाम बताइए कौन कौन से रिपब्लिक्स थे महाजनपद के। तो इसमें आ जाएगा शाक्याज ऑफ कपिल वस्तु, भागाज ऑफ सुन सुमरगिरी, बुल्लीज ऑफ अलकप्पा, कलाम्स ऑफ केशापुटा, कोई कोलियाज ऑफ रामाग्रमा, मालाज ऑफ कुशीनारा, मालाज ऑफ पावा, मौर्याज ऑफ पीपालीवन एंड लिच्छावीज ऑफ वैशाली, विदिशा, विदिहास ऑफ मिथिला। तो ये इसमें इन्होंने दे दिया है कि कौन कौन से उस टाइम ये रिपब्लिक्स हुआ करते थे। तो 10 रिपब्लिक्स थे 16 में से, और जो चार थे बाकी बचे जो छः वो थे मोनार्ची, और मोनार्चीज में भी जो चार थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, और वो थे कोशाला, अवस्था, अवंती एंड मगधा। तो ये आपको नाम याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसको मिस नहीं करना है क्योंकि इसका पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी बुक में।
देन फिर आता है मेजर जनपद ऑफ राजस्थान. राइज ऑफ जनपद्स इन राजस्थान इज नोटिस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन. वैदिक सिविलाइजेशन के पीरियड के दौरान ही जो जनपद का उदय होना राजस्थान में शुरू हो गया था, या हम कह सकते हैं कि उस समय से जनपद को नोटिस किया जाने लगा था राजस्थान के अंदर. ड्यू टू ग्रीक इन्वेशन, क्योंकि जो ग्रीक्स थे वो यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, और भी कई बहुत सारे ट्राइब्स थे और पंजाब विच इंक्लूडेड, जिसमें मालवा, शिवी और अर्जुनियान एट्सेट्रा, इनको काफ़ी जाना जाता था. ये काफ़ी रिनोन्ड थे अपनी बहादुरी के लिए और ग्लोरी के लिए. केम इनटू राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर आए ये लोग और यहाँ आके सेटल हो गए. इन दिस वे, और इस प्रकार से जो रूट हैं जनपद एडमिनिस्ट्रेशन की, वर लेट डाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. तो जो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर जनपद एडमिनिस्ट्रेशन की रूट्स जो थी वो फैलने लगी. अब राजस्थान के अंदर कितने जनपद हैं, तो इसमें देखा है वैसे मेन चार जनपद हैं. द फॉलोइंग वर द मेजर जनपद, और इनमें है आपका जंगल, मत्स्य, सुरसेना एंड शिवी. ये चार मेन जनपद हैं जिसके बारे में आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि राइट द नेम ऑफ जनपद ऑफ राजस्थान या एक्सप्लेन एनी टू जनपद ऑफ राजस्थान. तो आपको याद करना है इसमें. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंगल. जंगल के बारे में, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, जंगल के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता था. तो जो आज डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट, जो आज की डिस्ट्रिक्ट है, जिसे बीकानेर और जोधपुर बोलते हैं, इसको पहले जंगलादेश के नाम से जाना जाता था. जंगलादेश या हम कह सकते जंगल देश के नाम से जानते थे महाभारत पीरियड के दौरान. तो जंगल देश के अंदर बीकानेर और जोधपुर दोनों ही इंक्लूड हुआ करते थे. एट सम प्लेस, और कुछ जगह पर दे हैव ऑल्सो बीन डिस्क्राइब, इनको डिस्क्राइब भी किया गया है इन द नेम ऑफ कुरु जंगला, कुरु जंगला के नाम से, एंड मद्रिया जंगला या मद्रिया जंगला के नाम से. तो कहीं कहीं जगह पर ये देखने के लिए मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कुरु जंगला या मद्रिया जंगला. अही छत्रपुर वॉज द कैपिटल ऑफ जनपद, और उस समय इस जनपद की जो कैपिटल थी वो अही छत्रपुर हुआ करती थी. विच वॉज कॉल्ड नागौर, जिसे आज हम क्या बोलते हैं नागौर, और नागौर का पहले क्या नाम था, अही छत्रापुर, अही छत्रापुर, ठीक है. एज द किंग ऑफ बीकानेर वॉज द ऑनर ऑफ जंगलादेश, और उस समय जो बीकानेर का राजा था वो जंगलादेश का मालिक कह सकते हैं या ऑनर हुआ करता था. ही हिमसेल्फ कॉल्ड, वो अपने आप को बोलता था जंगलाधर बादशाह, यानी जंगलधर का बादशाह कौन है, बीकानेर का राजा, ठीक है. तो अगर जंगलाधर का बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है, तो बीकानेर के राजा को जाना जाता था. वो अपने आप को जंगलधर बादशाह के नाम से, या उन्होंने अपने आप को नाम दिया था जंगलधर बादशाह. जय जंगलधर बादशाह इज ऑल्सो सीन इंस्क्राइब्ड, और जो जय जंगलधर बादशाह है ये भी कई जगह पर खुदा हुआ है इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट, बीकानेर स्टेट के रॉयल सिंबल पर. तो ये तो था जंगल के बारे में. तो आपको समझ में आ गया जंगल के अंदर कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट जो थे आज के बीकानेर और जोधपुर, वो उसमें हुआ करते थे, दोनों इंक्लूड हुआ करते थे महाभारत पीरियड के अंदर. इसको जंगल देश के नाम से जाना जाता था, और कुरु, और ये इसको डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग कई जगह पर कुरु जंगल के नाम से या मद्रा जंगल के नाम से. और छत्रापुर जो थी इसकी कैपिटल हुआ करती थी छत्रापुर, जिससे कि हम आज नागौर बोलते हैं. और उस समय जो बीकानेर के राजा थे वो यहाँ के ऑनर हुआ करते थे जंगल देश के, इसलिए उन्होंने अपना आपको नाम दिया जंगल दरवाशाह. और बीकानेर के कई जगह पर इंस्क्राइब किया हुआ है रॉयल सिंबल्स पर जय जंगल दरवाशाह. तो ये तो था जंगल के बारे में. अब हम पढ़ेंगे मत्स्य के बारे में. द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर, जयपुर के पास जो रीजन था उसको मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था. तो जयपुर और जयपुर के आसपास का जो रीजन है उसको मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते थे. एंड इसका जो ये इट्स एक्सपेंस वॉज फ्रॉम सराउंडिंग द हिल ऑफ चंबल, और ये फैला हुआ था या इसका विस्तार था चंबल हिल्स
जो हिल है चंबल की, वहाँ से लेकर जंगल रीजन तक। जंगल तो अभी आपने पढ़ा कौन कौन से जाते हैं इसमें, बीकानेर और जोधपुर, यहाँ तक। तो जंगल रीजन तक ये फैला हुआ था, ऑफ द सरस्वती, सरस्वती नदी तक। मॉडर्न अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर, आज का जो अलवर है या कुछ हिस्सा जो भरतपुर का है, वो भी मत्स्य महाजनपद के अंदर इंक्लूड हुआ करता था। विराट नगर विच वॉज नोन एज बैराट एट प्रेजेंट टाइम, बैराट जिसको हम आज बोलते हैं, पहले इसका नाम हुआ करता था विराट नगर, वो इस मत्स्य की या मत्स्य महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी। क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द रेन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसारा इज नॉट अवेलेबल। बिंदुसारा से पहले इसके बारे में जो क्लियर इन्फॉर्मेशन थी या जानकारी थी वो नहीं मिल पाई, अवेलेबल नहीं थी। इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन महाभारत, ये महाभारत के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया था, दैट अ रूलर नेम शाहज शाहज रूल्ड अपॉन द बो स्टेट चेडी एंड मत्स्या। महाभारत के अंदर लिखा गया था जो शाहज नाम का जो राजा था वो चेडी और मत्स्य दोनों का ही राजा था, दोनों स्टेट को मिलाकर उसका राजा हुआ करता था। तो महाभारत के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है मत्स्य को। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग के अंदर जो मत्स्य मत्स्य रिमेन पार्ट ऑफ चेडी स्टेट, जो मत्स्य था वो चेडी का ही कुछ बचा हुआ हिस्सा हुआ करता था। एंड विद लैप्स ऑफ टाइम इट बिकेम अ पार्ट ऑफ ग्रेट मगध एम्पायर। पहले चेडी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया वैसे वैसे इसका जो बहुत बड़ा इसका जो कुछ हिस्सा था वो मगध एम्पायर के अंदर मिल गया। तो ये मत्स्य के बारे में है। देन फिर आता है आपका सुरसेना। सुरसेना, दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट ब्रिज रीजन, और ये जो महाजनपद है वो आज का जो ब्रिज रीजन है उसमें प्रेजेंट हुआ करता था, और जो उसकी कैपिटल थी वो थी मथुरा। ब्रिज आपने कृष्ण नगरी सुना होगा, तो ब्रिज रीजन में ये प्रेजेंट था सुरसेना, और इसकी जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। एंशियंट ग्रीक ऑथर डिस्क्राइब दिस स्टेट, और एंशियंट ग्रीक ऑथर थे जिन्होंने कि इस स्टेट को डिस्क्राइब किया था सुरसेनानी के नाम से, एंड कॉल इट्स एज मैथुरा, और उसको बोलते थे मैथुरा। अकॉर्डिंग टू महाभारत, महाभारत के अकॉर्डिंग यदु, यदु मीन्स यादव जो होते हैं, यादव डायनेस्टी रूल्ड हर हेयर। तो यहाँ पर जो यादव डायनेस्टी थी या यदु वंश था वो यहाँ शासन किया करता था। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, और ज़्यादातर जो हिस्सा है भरतपुर धौलपुर करौली डिस्ट्रिक्ट का, वो सुरसेना जनपद जनपद के अंदर आया करता था। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, और जो अलवर का ईस्टर्न, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है इसका ईस्टर्न पार्ट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सुरसेना। तो ईस्टर्न पार्ट जो था अलवर डिस्ट्रिक्ट का वो भी सुरसेना के अंदर इंक्लूड हुआ करता था। वासुदेव सन, वासुदेव का जो वासुदेव के जो बेटे थे लॉर्ड कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, वॉज एसोसिएटेड विद दिस जनपद, वो इसी जनपद से बिलोंग करते थे या जुड़े थे। आपने सुना था मथुरा नरेश श्री कृष्ण थे, मथुरा के राजा थे इनके पिता, इनके नाना थे मथुरा के राजा, या इनकी जो मम्मी थी वो मथुरा से बिलोंग करती थी, देव की। कंस नगरी हुआ करती थी, कंस को मारने के बाद कृष्ण यहाँ के राजा बने थे। जब तक उनके नाना थे, उनके नाना ने वहाँ शासन किया, उसके बाद फिर उनके नाना ने कृष्ण को वो नगरी सौंप दी। तो ये तो था आपका सुरसेना के बारे में। तो सुरसेना में कौन कौन इंक्लूड होता है ये आपने पढ़ लिया। सुरसेना के अंदर जैसे कि हम ब्रिज बोलते हैं, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा, तो इसमें इंक्लूड हो गई, इसमें भरतपुर धौलपुर करौली डिस्ट्रिक्ट ये सब आ जाते थे। तो आप इसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा इसको क्या बोलते थे। और जो ग्रीक एंशियंट ऑथर्स थे उन्होंने सुरसेनाई सेनाई के नाम से इसको डिस्क्राइब किया था, और इसकी कैपिटल को मैथुरा बोला था। देन फिर आता है आपका शिवी। तो शिवपुर वॉज कैपिटल ऑफ शिवी, और जो शिवपुर है वो कैपिटल हुआ करती थी शिवी जनपद की। और एंड किंग्स शुशिन, और जो राजा थे शुशिन, हैड डिफीटेड इट अलोंग विद अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स, और इन्होंने
जो 10 यहाँ पर ट्राइब्स हुआ करती थी, 10 बैटल लड़ाई लड़ी उन्होंने 10 राजाओं से। एंशियंट शिवपुर कैन बी आइडेंटिफाइड, और जो एंशियंट शिवपुर है उसको पहचाना जाता है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड शोरकोट, जिसे शोरकोट नाम की जगह, जिसे कि आज हम पाकिस्तान बोलते हैं, तो पहले इसे शोरकोट के नाम से इसको पहचाना जाता था। और जैसे जैसे समय बीता, दिस शिवी कास्ट ऑफ सदर्न पंजाब बिगन टू रिसाइड इन मेवाड़। और ये जो शिवी कास्ट थी साउथ पंजाब के अंदर जो रहती थी, वो धीरे धीरे मेवाड़ रीजन के अंदर चली गई और वहाँ जाके रहने लगी राजस्थान में। तो ये शिवपुर की कहानी है। शिवपुर के जो राजा थे वो सुशिन थे। ननफेर आ गया आपका नगरी। नगरी सिचुएटेड, और जो नगरी है वो सिचुएटेड है नियर चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ के पास में, सॉरी, जो नगरी है सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वॉज इट्स कैपिटल, और जो नगरी है वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी शिवी की। एंड शिवी कॉइन्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, और जो शिवी के सिक्के हैं वो कई जगहों से उनकी खोज हुई है। प्लेस इन मेवाड़, मेवाड़ में कई जगह से मिले हैं। 5 एडिक्ट्स रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और 5 जो एडिक्ट्स हैं उनको लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। ये स्क्रिप्ट होता है, लिखने की एक विधि होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको लिखा गया है। हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द प्लेसेस नियर द मंडसौर, और खुदाई के दौरान ये मिले हैं मंडसौर के आसपास से। एंड फ्रॉम दीज एडिक्ट्स, और इन्हीं एडिक्ट से हमको ये जानकारी मिली है कि अबाउट द एक्सपेंस ऑफ शिवी जनपद, कि शिवी जनपद था वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला था, या वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक फैला हुआ था, ये इसका विस्तार था। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेजेंस होने के बाद भी द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो थी ऑफ दीज जनपद्स वॉज इन द हैंड ऑफ रिच वेडुअल फैमिलीज। तो रिपब्लिकन मतलब वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं लोगों का शासन था, लेकिन फिर भी अगर हम एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देखें तो ये यहाँ के जो लोग जनपद थे वो पैसे वाली फेडुअल्स फैमिली के अंडर में रहा करते थे। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन फैमिलीज के, अरेंज फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इन द फॉर्म ऑफ चीफ ऑफ संतग्रह सभा, संतग्रह सभा एंड इसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं। तो ये इसमें बता रखा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम, ये फेडरल रिच फैमिली से ही बिलोंग किया करते थे, और यही सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हुआ करते थे इनको किया करते थे। चीफ ऑफ संतग्रह सभा, जिसको कि हम जनरल असेंबली कहते हैं, और द मेंबर ऑफ संतग्रह कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, और ये अपने ओपिनियंस को फिक्स रखते थे कुछ इशू पर, मतलब उनके कुछ इशूज थे जिस पर वो फिक्स रखा करते थे। एंड दिस वॉज कॉल्ड एज द अनायु विरोध, और जिसको कि अनायु विरोध कहा जाता था, जो इनके फिक्स रहते थे मामले उनको ये अनायु विरोध कहते थे। अनायु विरोध यानी कोई भी विरोध नहीं करेगा। द इशू ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन, और जो भी इश्यूज होते थे किसी भी डिस्प्यूट को लेकर उन पर जो वोटिंग किया करते थे, वर वोटेड अपॉन। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि मल्टी कलर बार्स बनाया करते थे, इनको यूज किया करते थे वोटिंग के लिए। संथाग्रह गरा वॉज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो संथाग्रह था ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जनपद के अंदर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, और जो बेसिक प्रिंसिपल थे स्टेट पॉलिसीज के, ये फिक्स हुआ करते थे असेंबली के अंदर। इन लार्ज रिपब्लिक प्रोविंशियल असेंबलीज वर ऑल्सो प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल असेंबली, और जो बड़े बड़े रिपब्लिक्स या प्रोविंशियल असेंबलीज थी ये भी प्रेजेंट हुआ करती थी सेंट्रल असेंबलीज के अंदर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल असेंबली। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ ये जो रिपब्लिक्स थे धीरे धीरे खत्म होने लगे, आपसी म्यूचुअल डिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से, और कई सेवरल ग्रुप्स बन गए।
एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी मोनार्चीज वर ऑल्सो मॉडरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ रिपब्लिक। तो ये रीज़न आ गया कि जो रिपब्लिक्स थे वो क्यों ख़त्म हो गए थे या क्यों डिक्लाइन हो गए थे। तो उसके पीछे कारण यही था कि बहुत सारे आपस में मतभेद इनके स्टार्ट हो गए थे, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था। तो इससे कई ग्रुप्स बन गए थे जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। और कुछ राजा थे ऐसे थे कि वो अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को उन्होंने अपनाया था। और ये सारे रीजंस थे जिससे कि ये जो रिपब्लिक्स थे वो ख़त्म हो गए थे। तो ये 16 महाजनपद के बारे में इसमें बता रखा है कि कम्बोज, गंधारा, कुरु, पंचाला, कोशाला, ये सारे आपको इसमें देखने हैं कहाँ कहाँ पर हैं। वज्जी, काशी, मगधा, अंगा, वत्सा, चिरडी, अवंती इन मत्स्या, और ये इनकी कैपिटल दे दी है। तो ये आपको याद करने हैं, इनको मैप में भी आपको समझना होगा क्योंकि 2 नंबर का जो मैप है वो इसमें से आता है और 3 नंबर का जो मैप है वो आपके ज्योग्राफी में से आता है। अब मौर्य, सांगा, सतवाना, गुप्ता, वर्धना, ये सारी जो भी डायनेस्टीज हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक आप जो मैंने पढ़ाया उसको आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको याद करना है अच्छे से। 6th सेंचुरी के अंदर कौन कौन से रिपब्लिक्स हुआ करते थे ये आपको लर्न करना है। जनपद के अंदर जंगल में कौन क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी और मत्स्या में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी वो आपको उसमें याद करना है। उसके बाद सूरसेना में क्या क्या इंक्लूड होता था, कौन कौन से राज्य इसमें आते थे और राज्य इसको क्या बोलते। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपको पूछना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।